बुढ़ाना में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश का अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रही है। देश के हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। भाजपा झूठों की सरकार है। भाजपा पर जो सत्ता का भूत सवार है उसे झाड़ू मारकर ही उतारना होगा। मुजफ्फर जनपद के बुढ़ाना में कस्बे में वार्ड नंबर 13 में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में संजय सिंह ने कहा कि देश की भाजपा सरकार अडानी की नौकर है। भाजपा की कोई गारंटी नहीं है और आम आदमी पार्टी गारंटी वाली सरकार है। आपको जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं जबकि उन्हें प्रदेश के युवाओं की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम मोदी योगी से लड़ रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे मरना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बुढ़ाना कस्बे से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नसरीन राही पत्नी तौसीफ राही को एक मौका दीजिए और जो भी वादे तौसीफ राही द्वारा किए गए हैं अगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं होता है तो एक साल के अंदर इनसे इस्तीफा लेकर आपको सौंप देंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी तथा बुढ़ाना कस्बे के समस्त वार्ड के सभासद प्रत्याशी मौजूद रहे। मंच का संचालन तारिक उस्मानी ने किया। वहीं हजारों की भीड़ ने आप सांसद संजय सिंह को सुना। वंदे भारत के लिए बुढ़ाना से अदनान सिद्दीकी की रिपोर्ट। गंदगी हो तो झाड़ू चाहिए, मोहल्ले की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, शहर की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, देश की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, और अगर किसी के दिमाग पर सत्ता का भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए भी क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। आप लोगों को गलत फहमी है कि मोदी जी की सरकार, देश की सरकार, इतनी बड़ी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार न किसानों की सरकार, न नौजवानों की सरकार, न महिलाओं की सरकार, न हिंदुओं की सरकार, न मुसलमानों की सरकार, न सिखों की सरकार, न ईसाइयों की सरकार, न इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी की सरकार, अडानी के गुलामों की सरकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए जो सोमेंद्र भाई ने कहा, मैंने यही नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आपको लड़ाए हुए हिंदू मुसलमान में दुकान चल रही है, आपको तो चिंता है ही नहीं। पूरे देश को उल्लू बना रखा, पूरे देश को हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है और सारा पैसा आपको लूट के अडानी 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 ये लिखा हुआ। मैं पर्ची पहले ही पढ़ लिया आने के बाद क्या क्या कह रहे हैं। तौसीफ भाई ने क्या क्या आपसे कहा है देखो, मैंने अपने जेब में रखा है। इसमें से एक भी बात अगर इन्होंने पूरी नहीं की तो एक साल के बाद आपका एक भाई आपसे वादा करके जा रहा है, इनसे इस्तीफा लेकर आपको दे दूंगा आपके हाथ। इस बार इनको जिता दो। काम देखो हमारा कैसे हम काम करते हैं। एक मौका दीजिए, एक मौका आपको अपने आप को, एक मौका आपको अपने आप को, और अंत में आज जो मुल्क के हालात है। अच्छा ये बार बार कह रहे हैं गाना सुना दीजिए सबको। चलो भाई सुना देता हूँ।